हाय कुणाल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन योर पीडिया। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके कुणाल, यू आर अ सिविल इंजीनियर एंड यू आर डूइंग योर मास्टर्स इन सीटीएम, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दैट इज एनआईटी वारंगल। सो कुणाल, आई वुड डिस्कस विद यू अबाउट योर पोस्ट गेट प्रोसेस एंटायर। आपके बारे में जानेंगे और आपको कौन कौन सी ऑप्शंस मिली थी उसके बारे में जानेंगे। सो आई स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड। आप ये बताएं कि आपका ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से हुआ था, नेम ऑफ द कॉलेज, एंड कॉलेज के बाद आपका जो कॉलेज में आपका सीजीपीए था वो कितना था, गेट स्कोर आपका कितना रहा, और उस गेट स्कोर के बेस पे हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और भी मिली थी। यस सर, माय नेम इज़ कुणाल कुमार सर, एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर इन द ईयर 2020। एंड आफ्टर दैट पासिंग आफ्टर आई गॉट पास आउट फ्रॉम बीटेक, देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर माय गेट, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल। सो इन गेट 2022 आई हैव अपीयर्ड फर्स्ट, बट इट वॉज नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशन। सो आई हैव अटेम्प्टेड वन मोर टाइम गेट 2023, एंड आई स्कोर्ड अराउंड माई गेट स्कोर वॉज नॉट वेरी बिग, लाइक 329 समथिंग द गेट स्कोर वॉज, बट माई कैटेगरी इज एस सी कैटेगरी। सो या एंड हाँ, माई बी टेक सी जी पी ए वॉज 6.46, एंड आई अपेयर फॉर गेट 2023, एंड आई गॉट अराउंड 329 गेट स्कोर, एंड इन स्पेशल राउंड आई गॉट एम टेक सी टी एम फ्रॉम एन आई टी वारंगल, सी सी एम टी स्पेशल राउंड। चलिए इसमें दो तीन चीज पूछूंगा मैं कुणाल आपसे। एक कि आपको, आपने एमएस वगैरह के लिए तो नहीं अप्लाई किया था, एमटेक के लिए अप्लाई किया, बट व्हाट अबाउट एमएस, डिड यू अप्लाई फॉर एमएस एंड ऑल आल्सो? नो सर, आई हैव ओनली अप्लाइड फॉर एम टेक ओनली। अब जब हम अप्लाई करते हैं फॉर मास्टर्स, वी हैव सीओएपी राउंड्स फॉर आईआईटीज एंड वी हैव सीसीएमटी फॉर एनआईटीज। डिड यू ट्राई इन सीओएपी यस सर, राउंड्स आल्सो? सर सी ओ ए पी आई हैव अप्लाइड, लेकिन आई हैव ओनली गॉट कॉल फ्रॉम आई आई टी धनबाद ओनली सर। ओके, डिड यू गो टिल स्पेशल राउंड और स्पॉट राउंड्स कुणाल? क्योंकि स्पॉट राउंड एंड में होते हैं सीओएपी में। यस सर, सी ओ ए पी आई मैं गया था, लाइक सर आई हैव जस्ट क्वालिफाइड माई गेट ना, दैट्स वाई आई आई डोंट हैव ग्रेट गेट स्कोर, सो आई डोंट गेट मच बिग अपॉर्चुनिटीज। ओनली फ्रॉम आई आई टी धनबाद आई गॉट वन फ्रॉम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, एंड वन फ्रॉम मैनेजमेंट कोर्स था शायद वो, आई एम ई, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन इंजीनियरिंग। एंड वहां से मे क्या माई आया था मेन तुम्हें? फोकस, यस सर, वहां से एमटेक था या एमएस कोर्स का, किसका कॉल सर आया था? एम टेक था सर। एमटेक का कोर्स आया था। लेकिन मेरे स्पॉट राउंड्स में कुणाल बहुत कम स्कोर में भी चला जाता है, मतलब, और आपके पास यस सर, कैटेगरी भी था तो आप, मैंने देखा, मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, स्पॉट राउंड्स बहुत से आईटीज ने पिछली बार करवाया था और उसमें कॉल आया भी था, तो मैं वही जानने की ट्राई कर रहा था कि क्या आप स्पॉट राउंड आईटीज। सर उस टाइम क्या था सर, स्पॉट राउंड में ही मुझे कॉल आया था आईआईटी धनबाद से, ये तीन, लेकिन तब तक मुझे एनआईटी वारंगल में सीटीएम ऑफर हो चुका था, चुका तो था मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी में इसमें जाऊंगा। फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं कुणाल कुछ और कोर्सेज की तरफ, जैसे सीसीएमटी की बात करते हैं। मेरे को ये बताइए कि ये जो आपको सीसीएमटी में एनआईटी वारंगल सीटीएम था, ये आपने कौन से पोजीशन पे रखा हुआ था? सर इनिशियली आई वाज मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था सी टी एम के बारे में, लाइक आई वाज मेनली फोकस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, स्ट्रक्चर, दीज थ्री ब्रांचेस में मेरा प्रेफरेंस था कि सिविल में इनमें एम टेक करना है। तो हमारे जो ग्रुप में सर हैं जिन्होंने यूरपीडिया मेंटर्स, उन्होंने गाइड किया था थ्रू आउट द सेशन, लाइक कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है। तो वही एन आई टी त्रिची से शुरू किया, वारंगल, राउरकेला, एंड एंड सो ऑन मैंने फिल किया था। स्टार्टिंग में मुझे एन आई टी वारंगल में जियोटेक ऑफर हुआ था, फिर मैंने उसको फ्लोट किया था, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन मिला एन आई टी वारंगल। ट्रांसपोर्टेशन लाइक वॉज लाइक आई मैं फाइनल कर दिया था कि हाँ मैं ट्रांसपोर्टेशन में मैं करूँगा एम टेक, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था। लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सी टी एम ब्रांच भी बहुत मतलब प्रेफर्ड है एज पर प्लेसमेंट, मैंने डेटास वगैरह देखे थे, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो मैंने स्पेशल राउंड में फिल किया तो वहां से मुझे मिल गया था। अच्छा अब कुणाल चलते हैं इस ब्रांच की तरफ, सीटीएम की तरफ। ये क्या है, इस ब्रांच के बारे में स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं जो, उनको थोड़ा सा अगर गाइडेंस दिया जाए, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट?
सर इट्स अ टोटली कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट कोर्सेस. लाइक एक एक सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया है, तो इसमें मैंने ये देखा है कि जो भी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो हैं ही, ठीक है, प्लस जो मैनेजमेंट के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैनेजमेंट के भी फैकल्टीज हमको आके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे. लाइक एक हमारा HRDC सब्जेक्ट था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन कंस्ट्रक्शन. उसमें जो भी HR प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, कॉम्पेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, लाइक उससे रिलेटेड हमने पढ़ा. लाइक एक कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, उसमें जो अकाउंटिंग वाला जो सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड जो भी है इन्फ्लेशन, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, डेप्रिसिएशन, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड थे. प्लस जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो तो है ही, लाइक हम एक CPM है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. उसमें जो भी हमारा एक्टिविटीज जो भी है होती है हमारी कंस्ट्रक्शन में, उसको कैसे मतलब मैनेजमेंट कैसे उसका होता है, लाइक कोई एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी, उससे रिलेटेड जो भी है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक हमारा सब्जेक्ट है, जो भी सिविल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो रहा है, लाइक MYVON कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, प्री फेब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन बहुत ही आजकल पॉपुलर हो गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग हो गया सिविल इंजीनियरिंग में, हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, एलिवेटेड मेट्रो कंस्ट्रक्शन, मेरा सेमिनार का टॉपिक भी था ये वाला, तो इससे रिलेटेड हम जो भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, एक वो वाला सब्जेक्ट है, प्लस मैनेजमेंट वाले जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सर इतने ही मतलब पढ़ा है अच्छा, हमने. जैसे आपने कुछ नाम लिए, 3D प्रिंटिंग वगैरह, ये काफी कैच वर्ड है आजकल. तो कुणाल, इसमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एज यू सेड, इट इज अमलगामेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. सो डू वी गेट द सब्जेक्ट्स लाइक न्यू अमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन इन दिस, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये भी इसका अमलगामेशन है इसमें? नो सर, टिल नाउ नॉट. एक ओके सेमेस्टर मैंने स्टडी किया है, ऐसा कुछ नहीं ओके है. इसमें यही है जो आपने बताया, वो चीजें इसमें हमने डाली हैं. लाइक एक हमारा बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक लेबोरेटरी था, उसमें जो रेविट सॉफ्टवेयर है हमारा, ऑटो कैट का, ऑटो कैट तो है ही, उसमें एक रेविट सॉफ्टवेयर है, उस पर वर्क किया था हमने. जो भी हमारा स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाना है, उसमें प्लम्बिंग वगैरह कराना सिखाया था, ठीक है, एंड जो भी स्ट्रक्चर बीम कॉलम ये सब डालना होता था वो सब सिखाया था, ठीक है. और एक CPMS लैब था, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेबोरेटरी, इसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, जैसे MSP जिसको बोलते हैं, उस पे एक MSP प्राइमावेरा, ये दो सॉफ्टवेयर सिखाए गए थे. लाइक उसमें जो भी शेड्यूलिंग वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक G+1 हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको शेड्यूलिंग करना, उनको रिसोर्स एलोकेट करना कि लाइक कितने लेबर लगेंगे, कितना सीमेंट, कितना ब्रिक लगेगा, ठीक है, ये पूरा बेसिकली उसमें ये सॉफ्टवेयर हमने पढ़े. अच्छा कुणाल, अब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और कहाँ कहाँ पे है, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकें, सर दिस या हर कोर्स NITs में है? वेरी फ्यू IITs NITs में है, लाइक NIT सूरतकल में है, वारंगल में है, NIT नागपुर, सूरत, एंड IITs में बात करें तो IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास. और अगर कोई स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में मास्टर्स करता है, तो उसके टिपिकल जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ ओपन होती हैं कुणाल, अगर आपने थोड़ा सा असेसमेंट मारा हो सीनियर से? सर लाइक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, लाइक जो हमारे सीनियर बैच का भी जो 2023 में पास आउट हुए थे, तो ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो गया था, 100% प्लेसमेंट है. लाइक LNT आती है, टाटा प्रोजेक्ट्स आती है, शापूजी पोलोनजी आती है सर, एंड वी कंस्ट्रक्टेक है, जो टॉप रिक्रूटर्स है जो हर साल आती हैं. और हमारी जो 2024 बैच जो पास आउट होने वाला है, उसमें भी ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो गया है सर. तो अगर आप ये टॉप रिक्रूटर जो आपने नाम बताया, एक बार अगर थोड़ा सा दोबारे बता दें, क्योंकि बच्चों के लिए काफी यूजफुल होंगे. LNT तो स्टूडेंट जानते हैं, और कौन कौन से आपने बताए हैं? टाटा प्रोजेक्ट्स, सॉरी, टाटा. टाटा प्रोजेक्ट्स, अच्छा, टाटा प्रोजेक्ट्स, ये कंस्ट्रक्शन में ही डील करता है ओनली? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सर, ये कंस्ट्रक्शन, और भी सर अदर फील्ड्स हैं, लाइक TCS वगैरह हो गई, लेकिन हाँ ये जी, जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी है वो टाटा टाटा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, लिमिटेड. हाँ जी, हाँ ये और वाली, शापूजी पोलोन जी, हाउ डू स्पेल दैट, शापू जी?
SHAPOORJI, अच्छा शापू जी, शापूजी पुलोन जी। ओके, सो दैट इज आल्सो कंस्ट्रक्शन कंपनी। यस सर, यस सर, या इट्स अ टॉप कंपनी सर, एंड वन वी कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो देयर। वी कंस्ट्रक्ट, यस सर, ओके, वी कंस्ट्रक्ट, सो दीज ऑल आर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, राइट? यस सर, दे कोर आर ब्रांच में आपको ये एवरी, कंपनीज हैं? हाँ जी। यस सर, एवरी ईयर दे कम एंड रिक्रूट सर, एंड सी टी एम इज़ वेरी डिमांडिंग ब्रांच सर, मीन्स प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी गुड हियर, स्पेशली अच्छा। इन NIT वारंगल एंड अदर कॉलेजेस ऑल्सो लाइक NIT नागपुर। आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट वेरी गुड प्लेसमेंट्स आर देयर इन CTM। तो ये जो आपने कुणाल बताया कि 100% सर हो जाता है सीटीएम में, ये आपने कोर ब्रांच में बताया, नॉन कोर में तो नहीं बोला आपने? नहीं सर, नॉन कोर में जनरली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते इंटरेस्टेड हैं, नहीं होते हैं। कोर में ही बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है तो सर। कितनी, एक क्लास की स्ट्रेंथ कितनी रहती है सीटीएम में? सर हम बात कर रहे हैं तो 30 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, प्लस 5 स्पेल्स सेल्फ स्पॉन्सर्ड है हमारी क्लास अच्छा का। अच्छा सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी आते हैं, जो जिनके पास गेट नहीं है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी आए हुए हैं। यस सर, तो उनको फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा पड़ता होगा, सैलरी का है उसका जो सर कॉलेज का जो है। भी नॉमिनल फी है उसमें +30,000 है। अच्छा, सेमेस्टर 30,000 सेमेस्टर का। हाँ नहीं नहीं सर, जो भी नॉमिनल फी है ना उसमें +30,000 ऐड हो जाता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए सर। तो जो 30,000 प्लस फीस आप बता रहे हैं, वो सेमेस्टर की बता रहे हैं या पूरे साल की बता रहे हैं? सेमेस्टर फी है जो M.Tech से आए उनको हाँ थर्टी जी, थाउजेंड हाँ पर जी, सेमेस्टर है, लेकिन जो हाँ, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है उनको 30,000 30 प्लस और। 30 और। हाँ तो मतलब ये सर, बोल सकते हैं कि जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है वो 2 साल का अगर देखा जाए तो 1,20,000 उसको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, यस सर, प्लस स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ नहीं सर, तो बाकी लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है वैसे, 12,400 जो बोलते हैं कुणाल? यस सर, मिल जाता है सर, एवरी मंथ आप अप्लाई कीजिए, मिल जाता अच्छा, इसका कुछ स्टेटिस्टिक्स है कुणाल आपके पास कि कितना पैकेज, मतलब कितना रेंज में मिल जाता है। यस सर, होगा? मैं प्री प्लेसमेंट टॉक में बैठा था, हमको अलाउ किया था फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, हाँ जी। शापूजी पुलोनजी कंपनी थी, उन्होंने बताया था 6 LPA के अराउंड रहता है सर, 6 के आसपास एवरेज रहता है। 6 LPA रहता है। ओके ओके, दैट इज देयर। और आपको उन्होंने जब शापूजी पुलंजी में आप बैठे तो उन्होंने किस तरीके का बताया कि आगे अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं कुणाल, क्योंकि उन्होंने तो बताया होगा आगे कंपनी में सारा? सर उतना तो याद नहीं है, लाइक 2-3 मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स हो गए होंगे, लाइक इतना याद है मतलब वही था कि कंपनी के बारे में जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उनके बारे में बताया था, उनका जो भी एनुअल टर्नओवर था ये सब बताया था, मेनली यही सब था सर। मतलब हमने थोड़ी देर ही बैठ पाए थे क्योंकि वो मेनली सीनियर्स के लिए ही था, क्योंकि उनका प्लेसमेंट था ना सर। ओके ओके। अच्छा, अब मेरे को कुणाल थोड़ा सा कैंपस लाइफ के बारे में बताओ। सो NIT वारंगल में कैंपस लाइफ कैसी है? हॉस्टल मिल जाता है बच्चों को, नहीं मिलता है? और किस तरीके का कैंपस लाइफ है अदर देन एकेडमिक्स? सर, अदर देन एकेडमिक्स इट्स अ वेरी गुड कैंपस, वेरी ग्रीन एंड ब्यूटीफुल कैंपस, लाइक यहाँ पे कैंपस के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आपको स्टेशनरी वगैरह हो गया, जो भी फूड फैसिलिटीज़ है, प्लस इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये सिटी के मतलब बीचों बीच है, ऐसे मतलब आउटर में नहीं है, लाइक जैसे ही मेन गेट आप क्रॉस करेंगे तो आसपास सारे बहुत सारे शॉप्स रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। प्लस ठीक है, मतलब हम M.Tech में तो हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता था, मतलब हेक्टिक शेड्यूल बहुत होता था, लेकिन ठीक था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे आपको, लाइक हाँ यहाँ पे हिंदी ऑलमोस्ट सब समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, है ना। बाकी ओवरऑल ठीक है, लाइक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, साउथ के मतलब ये रहता है कि कुछ कुछ हैं, लेकिन वो लोग भी तेलुगु स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी बोल लेते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी ठीक चलो है बहुत सर, अच्छा। कैंपस बहुत अच्छा, अच्छा, कनेक्टिविटी क्या है वारंगल की बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से? कनेक्टिविटी सर बहुत बढ़िया है सर, फ्रॉम हैदराबाद इट इज़ ओनली 150 किलोमीटर अवे। अच्छा, तो जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश से आना हो, आई डोंट नो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर। सर आई एम पटना बिहार अच्छा, तो जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश से किसी ने आना हो तो कैसे कनेक्टिविटी कैसे है, ट्रेन से कैसे है? सर, डायरेक्ट ट्रेन है सर, लाइक मैं अभी घर आया हुआ हूँ, लाइक कुछ हाँ दिन जी, पहले ही मैंने ट्रेन कैच किया था, लाइक 30 आवर के अराउंड ट्रेन का लग टाइमिंग जाते था। हैं। हाँ इतना लग जाता है, फ्लाइट से भी आप जाएंगे तो हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से फिर बाय रोड आप जा सकते हैं। अच्छा, तो हैदराबाद से आपने बताया 150 किलोमीटर ही है वारंगल।
चलो बहुत अच्छा है। और कुछ आप बताना चाहें कुणाल स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई है, और कुछ बताना चाहें स्टूडेंट्स को? सर दे कैन गो फॉर लाइक, अगर सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करना है तो स्ट्रक्चर एंड सीटीएम, ये दो ब्रांच बहुत ही मतलब आगे आपको अच्छा करियर ऑप्शन दे सकती हैं, अगर आप ओके टॉप के एनआईटी से या फिर आईआईटी से कर सकते हैं। लाइक सीटीएम का ओके ये है कि आपको कोई डाउट नहीं लेना है कि प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, डेफिनेटली प्लेसमेंट होगा। लाइक प्लेसमेंट हो जाएगा, स्ट्रक्चर में भले अगर किसी का नहीं होगा लेकिन सीटीएम में डेफिनेटली पीटीएम में तो होता हो है, ही क्योंकि जाएगा। आप, हाँ, डिमांडिंग फील्ड है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम मिलते हैं और हर जगह मिलता भी नहीं है, तो यू कैन गो फॉर इट और आपको मज़ा भी आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में, लाइक पूरा देखिए, जब मैनेजमेंट। जब हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं ना कुणाल, तो बच्चों के दिमाग में होता है कि सब स्ट्रक्चर्स फिर जियोटेक ऐसा होता है उनके दिमाग में। नो डाउट हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि सीटीएम अच्छा है, पर उनके दिमाग में स्ट्रक्चर वगैरह से ही आता है। तो किन बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग के, किन बच्चों को सीटीएम के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? सीटीएम सर कोई भी ले सकता है सर, अच्छा। नो प्रॉब्लम सर, वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे यहाँ पे ये पूरा नहीं, जैसे आपका। कोई बच्चा ये बोलता है कि साहब मैं टेक्निकल तो अच्छा हूँ लेकिन मैनेजमेंट में सर मेरे को मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ऐसा भी कुछ है? लेकिन सर यही है ना कि आपके साथ जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं हाँ तो जी, आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है, उनको भी मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा आइडिया नहीं है, और जो फैकल्टीज हमको पढ़ाते हैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होंगे, सही बात है, प्लस रिलेटिव ग्रेडिंग है, रिलेटिव ग्रेडिंग है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सही बात है, मतलब आपका सीजीपीए वगैरह का सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो इस बार सीटीएम जो है, जैसा आपसे मेरे को पता चला कुणाल, सीटीएम एक अच्छी प्रॉमिसिंग फील्ड है, और आपने तो यहां तक भी बताया कि सब स्ट्रक्चर में चाहे भी जॉब वॉब का इशू हो भी जाए लेकिन सीटीएम में तो मिल ही जाता है, क्योंकि ब्रॉड डोमेन है, जो मेरे को समझ आया काफी ब्रॉड डोमेन है और हर कंपनी को जो है वो चाहिए सीटीएम के लोग। तो और आपने बताया कि एनआईटी वारंगल में बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है, 100% प्लेसमेंट है और जॉब्स लग जाती हैं कोर ब्रांच के अंदर, और कैंपस भी आपने बताया बहुत अच्छा है कुणाल। तो ये सारी बातें मेरे को, आई एम वेरी श्योर कुणाल, जो स्टूडेंट सुनेगा उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये अपना डिसीजन लेने के लिए। और एनआईटी वारंगल में आपका गेट के अलावा आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी एक सीट है, ये भी जो नॉन गेट वाला बच्चा है उसके लिए बहुत एक हेल्पफुल चीज होगी। अब मेरी लास्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब ये वीडियो पब्लिश होते हैं कुणाल, तो बहुत से ऐसा बच्चा होता है जो आपसे आइडेंटिफाई करता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो उस टाइम पे क्या हम आपके साथ बच्चों को कनेक्ट करवा सकते हैं, मतलब या तो जूम पे या अदरवाइज हम आपसे बात करवा सकते हैं, सो दैट उनको गाइडेंस आपकी तरफ से भी मिल जाए यस कुणाल? सर, नो प्रॉब्लम सर। चलिए कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने टाइम निकाला, एंड आई एम वेरी श्योर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है अपने कॉलेज के बारे में वो बच्चों को अच्छा डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।